टावर जिसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड टावर। यहाँ का 1,000 बनेगा पाकिस्तान का 60-70 हज़ार का फाइन बन जाएगा। अभी हम पहुँच चुके हैं मॉल के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे, एक रेस्टोरेंट। लोग अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे दुबई के एक टावर जिसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड टावर। इसमें डिफरेंट कंपनीज ने अपने ऑफिसेज लिए हुए हैं, उनका स्टाफ है यहाँ पे, वो अपना वर्क यहीं से करते हैं, सारा दिन यहीं पे बैठते हैं, काम करते हैं। ये हम उसी टावर के बिल्कुल फ्रंट में खड़े हुए थे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें क्या क्या होता है। होना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होना है, क्योंकि दुबई में सब कुछ इंटरेस्टिंग है। यहाँ की बिल्डिंग्स, रोड्स, यहाँ के ट्रैफिक्स अलग ही लेवल है सब। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये वैसे भी मशहूर है सारी दुनिया में। सारे लोग कहते हैं कि दुबई में ये कुछ है, वो कुछ है, फलां कुछ है। बस वो यहाँ पे जो जो कुछ है ना, वही आपको दिखाएंगे, आप टेंशन ना लें। ये एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं कि वाकई कहते हैं दुबई में रूल्स हैं, रूल्स हैं भाई, वाकई हैं। ये अगले सिग्नल आ गया, बस ये रुक गए हैं। पाकिस्तान में तो किसी किसी शहर में है सिग्नल, किसी में बस है, फ्री खाते में चल रहा है सब कुछ। होंडा सिविक खड़ी हुई है तो पुराना मॉडल ही यहाँ का होंडा सिविक का। तो सिग्नल हो गया ग्रीन, चलें सिविक भाई। सिविक का जो फ्रेश मॉडल है वो वैसे भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ तक पहुँच गया। यहाँ से कर लेंगे हल्का सा राइट। सिविक का लेवल है वो, साथ में एक और रेंज रोवर चली गई है भाई, अब क्या करें, वो हमसे है ही दूर भाई, नहीं कैप्चर हो सकनी थी कैमरा में। पीछे टैक्सी आ रही है, टैक्सी का व्यू थोड़ा सा आपको दिखाना था, लेकिन उसमें जाना है राइट में, हमने जाना है इस साइड को, इसलिए वो रह गई है वहीं साइड पे। अभी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 सिग्नल और लगेंगे। सिग्नल लगने के बाद जो है आपका बिजनेस डे एवेन्यू मॉल जिसका आपको विजिट करवाना है, वहाँ पे पहुँचेंगे। ये सिविक फ्रेश मॉडल खड़ी हुई है, लेकिन है थोड़ी सी पीछे हमसे, हमने सिग्नल के ऊपर रुकना था बिल्कुल। अगर उसके बिल्कुल बराबर में रुकते तो शोते ने बोलना था भाई क्यों, हाँ पीछे क्यों खड़े हो। आपको पता है यहाँ के जो फाइन है, फाइन बड़े तगड़े फाइन है। यहाँ का 1,000 बनेगा पाकिस्तान का 60-70 हज़ार का फाइन बन जाएगा। तो इस वजह से बंदा कहता है कि यार 60-70 हज़ार इनको क्या देना है, वहीं भेज लो। ये यहाँ पे ये है कि बिल्डिंग जी बिल्डिंग है, जो एक बिल्डिंग छोड़ो बंदा कहता है कि जी नहीं ये नहीं, कोई और देखेंगे, वो उससे बड़े लेवल की होती है। यही तो रौनक है दुबई की, यहाँ पे रोड्स के लेवल हैं। ये इनका अभी नॉर्मल रोड है, ये कोई मेन रोड नहीं है, ये वो रोड है कि जहाँ से अगर हम आउटसाइड से आए तो ये एक सिटी है इनका बिजनेस पे, जहाँ मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, जिसने मस्जिद का मैंने आप लोगों को विजिट करवाया था, ये उसके लिए रोड है ये। लेकिन क्या है कि इन्होंने अपना 6-7 ट्रैक तो इसके भी बना दिए हुए हैं। यहाँ से करेंगे लेफ्ट, आगे जो सिग्नल है सिग्नल से हमने बिल्कुल करना है लेफ्ट। लेफ्ट करने के बाद पहुँचेंगे हम अपने मॉल वाली साइड पे। ये लोग सारे छोटे में इसलिए बनाता हूँ कि ना इतने ज़्यादा होते हैं ना इतने कम होते हैं, नॉर्मल इसलिए हैं कि चलो सबको देखने में आसानी रहे, कोई बंदा ये ना कहे ओए यार मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। मज़े की लैंड क्रूजर V8 2022-7 दुबई का नंबर लगा हुआ है 7-4-4-2-8। ये एक लैंड क्रूजर क्या है, यहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे बंदे के पास लैंड क्रूजर है। सिग्नल हो गया ओपन, हम भी चल पड़ेंगे, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रुक नहीं सकते, हम रुके तो वो हमें हॉर्न करेंगे कि भाई रुके निकलो और निकलो। यहीं से इस लैंड क्रूजर के पीछे बिल्कुल करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट करने के बाद ये जिधर जिधर को लैंड क्रूजर जा रही है, इसमें मेरे ख्याल में इधर ही जाना है जिधर हम जाएंगे। चलें देख लेते हैं ये किधर को जाएगी, हम किधर जा रहे हैं। ये बे एवेन्यू नाम आपने पढ़ा, देख ही लिया। ये अभी हम उसके मेन पे नहीं पहुँचे,
अभी तो ये जस्ट एंड क्रूजर को फॉलो कर रहे हैं। ये इसकी बैक साइड एरिया है मॉल का, ये भी आपको रुक के फुल आपको दिखाते हैं, वेट करें। ये इसकी बैक साइड है, ये कोई इसका मेन एरिया नहीं है। ये हम रुक जाएंगे यहाँ पार्किंग में, यहाँ पे तो पार्किंग का भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि पार्किंग के बगैर तुम कहीं भी रुक नहीं सकते। ये सब इसका बैक साइड का व्यू है कि जहाँ पे पार्किंग लगी होती है लोग अपनी साइड को गाड़ी लगाते हैं, आ जाते हैं फिर मॉल में घूमते हैं, जो भी ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट हैं, कुछ भी। यहाँ पे टैक्सी है, किसी कस्टमर को उठाना होगा उठा के चले गए। ये सब इसका बैक साइड है। चले अब आपको फ्रंट पे लेके जाते हैं। वहाँ से तो हम आ चुके हैं लेकिन क्या करें यार, हम 2 मिनट रुका क्यों, आ गया सिक्योरिटी वाला, भाई यहाँ पे नहीं रुके, ये हमारी पार्किंग है, ये फलाना ऐसा नहीं, आप जाए वहाँ से। तो फिर क्या करते, जाना ही पड़ना था। ये सब इसकी बैक साइड है। क्या हो गया, रश क्यों लगा हुआ, कोई स्कूल, हाँ वो आगे देखें स्कूल बस खड़ी हुई है, उसने यहाँ से पिकअप करना है। इस वजह से हर चीज़ यहाँ का, ये भी असूल है, एक रूल है कि जहाँ पे स्कूल बस खड़ी हुई है ना, हम उसको क्रॉस नहीं, ओवरटेक नहीं कर सकते कुछ भी, और ना राइट से ना लेफ्ट से, जब तक वो पिकअप करके खुद नहीं जाएगी ना, बाकी सारे पीछे उसके खड़े रहेंगे जो मर्जी, चाहे ये मेन रोड पे भी खड़ी है ना, सिर्फ ये इस बस को अलाउ है कि ये रुक सकती है, और कोई नहीं। ये आ गया पीछे से, फोन दे रहा है, इसको जल्दी है। अभी वो बस आगे से चली है तो हम यहाँ से निकल सकें, वरना नहीं। ये है इस दुबई, दुबई बस अपने इन छोटे छोटे रूल्स की वजह से काफ़ी फेमस है। ये सब गाड़ियाँ साइड पे लगी हुई हैं, ये सब इसका पार्किंग एरिया है। आगे फिर टैक्सी, मुझे लगता है वो बस फिर रुक गई है, हाँ देख सकते हो, वो बिल्कुल बस फिर रुक गई है। क्या कर सकते हैं, बस अभी ये टैक्सी वाले को टेंशन लगी हुई है, कभी इस साइड को करता है कभी उस साइड को करता है, क्या करें। उसने भी बेचारे ने कस्टमर बिठाया हुआ, उसको भी जल्दी है कि जाए होंगे। ये हम उसकी बैक साइड से निकल के एक रोड पे आ चुके हैं, बस यहीं से इसका राइट लेंगे, राइट लेने के बाद आगे साथ ही तो इसका इस मॉल का फ्रंट है। इसमें ये देख लो कि मॉल में एंटर होने के लिए इतना घूम घूम के आना पड़ता है। हमारे पास वहाँ पे क्या है, अच्छा ऐसे मुँह उठाया मॉल में अंदर चले गए, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं मॉल के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे। ये मॉल के अंदर ही जो टावर बने हुए हैं, इन सब के नाम है ABCDFG, काफ़ी तक हैं ये सब इसके मॉल के अंदर ही हैं। यहीं से ऊपर नीचे मॉल के, इन बिल्डिंग्स के नीचे मॉल है, ऊपर बिल्डिंग